नमस्कार, आज आपकी रसोई में बन रहा है नमकीन चटपटा चिवड़ा, जिसे आप खा सकेंगे और डिब्बा भर के रख भी सकते हैं आराम से। ये नमकीन इतना टेस्टी और हेल्दी होता है कि इसमें जो एक चीज़ डाली है वो काफ़ी हेल्दी होती है। यहाँ पर देखिए, मैं इस नमकीन को बनाने के लिए ले रही हूँ सबसे पहले मखाने। मखाने जो सेहत से भरपूर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। थोड़ा बादाम, थोड़ा काजू, थोड़ा मूंगफली और कुछ मसाले। एक पैन लें, एक चम्मच घी डालें और धीमी आंच पर मूंगफली, काजू, बादाम को थोड़ा रोस्ट कर लें। लगातार इनको चलाते जाएं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। जब ये थोड़ा रोस्ट हो जाएं, तो इनको निकाल कर एक प्लेट में अलग से रख लें और उसी पैन में हम अब मखानों को रोस्ट करेंगे। मखानों को रोस्ट कर लें और तब तक पकाएं जब तक वो दबाने से आराम से टूट ना जाए। मखानों को निकाल लें, अब मुरमुरा डालें और हल्की आंच पर रोस्ट करें। अब इसमें सारे मसाले डालें और पहले से भुने हुए मखाने और ड्राई फ्रूट्स को भी डालें। गैस बंद कर दें। आप देख सकते हैं कि आपकी चटपटी नमकीन बनकर तैयार हो गई है। इस नमकीन को आप चाय या ऐसे भी खा सकते हैं। बाकी बचे नमकीन को एयर टाइट डिब्बे में डालकर रख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।